83 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। मैंने कोरोना को हराया है की कहानी में आज हम चर्चा कर रहे हैं 83 साल के एक बुजुर्ग अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा की, जो पटना के रहने वाले हैं। उनसे बात की तो उन्होंने कहा, अभिनय क्षेत्र में काम करते हुए जीवन के 83 साल की उम्र में चल रहा हूं। नौकरी की, आकाशवाणी, दूरदर्शन और मंच पर अभिनय से लोगों को हंसाता रुलाता रहा, पर आज की स्थिति जो इस वक्त आई है कोरोना के कारण, वैसा ईश्वर न करे फिर कभी आए। कहीं बाहर आना जाना नहीं, चुपचाप घर के छत पर टहलना या अपने कमरे में बैठ रेडियो सुनना। अचानक मुझे बुखार हुआ, सर्दी हुई। मैं डर गया कि शायद मैं कोरोना की चपेट में आ गया। जल्दी जल्दी पूरे घर में घोषणा कर दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर रहा हूं। घर वालों का पूरा सहयोग मिला। मेरी पत्नी, मेरी बहू, पोती, पोता और बेटे ने भरपूर सेवा की। उन लोगों ने मुझे नाटक लिखने के लिए उत्साहित किया। नाटक तो नहीं लिख पाया, पर प्रेमचंद की कहानियां खूब पढ़ी। बिहार सरकार के द्वारा जारी नंबर 1070 पर फोन कर डॉक्टर की सलाह ली, उनकी बातों पर अमल किया। गर्म पानी से भाप लेना, गलाला करना, नीम की पत्ती का सेवन और हल्दी युक्त काढ़ा का सेवन शुरू कर दिया। योगासन और कोरोलिन कीट का सेवन भी करता रहा। इस बीच बहुत सारे दुखद समाचार मिलते रहे। जी घबराता रहा, पर लोगों का विश्वास और योग गुरु रामदेव जी की सलाह पर चलता रहा और आज स्वस्थ होने लगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। जानकारी मिली कि हमारे पड़ोसी तिवारी जी स्वस्थ होकर अस्पताल से घर आ गए। कई लोगों के स्वस्थ होने का सुखद समाचार मिला। ईश्वर करे सभी स्वस्थ हों। एक दूसरे को सहयोग देना आज की मांग है। मैंने दोनों वैक्सीन लगवाया है, आप सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। हंसिए, स्वस्थ रहिए। मैं स्वस्थ हूं।